वही 19 मई की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि 2016 के बाद जो अब नोटबंदी का फैसला सामने आया, 2000 के जो नोट अगर आपके जेब में है तो इस नोट को आप जल्दी से जल्दी बदलवा लीजिए, क्योंकि 2000 का नोट भी आज से 4 महीने बाद बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, एक कागज की तरह ये नोट बन जाएगा। 30 सितंबर तक का आपके पास मौका है, 23 मई से 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट को किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी होगी, लेकिन अगर आप 2000 के नोट नहीं बदलवाते हैं तो मुश्किलें 4 महीने बाद आपके लिए बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम 4 महीनों की बात करें, यानी कि इस महीने में और सितंबर तक के महीने तक की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपके पास 2000 के नोट है तो वो बाजार में चल सकेंगे। अभी किसी तरह की कोई पाबंदी, कोई रोक इन 2000 के नोट पर नहीं लगी है, लेकिन आज से 4 महीने बाद बिल्कुल परिवर्तन होगा। ये 2000 के नोट अगर आपके पास है, अगर आपके जेब में पड़े हैं, तो ये 4 महीने बाद वेस्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए आप इस पर गौर करें कि 4 महीने के अंदर अंदर आप 2000 के नोट को बदल लें। वहीं 2000 के जो नोट बैन किए गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू की, सुनिए। आरजेडी कांग्रेस का तो काम ही है हमला करना भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर। ये लोग को जो भारतीय जनता पार्टी देश के लिए करेगा उसके ही खिलाफ करेंगे, ये नई कोई बात नहीं है, और ये खिलाफ करना चाहिए, चूंकि प्रतिपक्ष में तो यही काम करते हैं। देश हित में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने इस तरह का निर्णय लिया है, और जहां देश हित में जब जो जरूरत पड़ेगा वो काम करनी चाहिए अर्थव्यवस्था व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए। नोटबंदी के नाम पर पूरे देश के अंदर में अपना जिला कार्यालय बनाया है, और जिला उस कार्यालय में काला धन का व्यापक निवेश हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, अब हमको लगता है कि अभी जो विभिन्न राज्यों में चुनाव है, ठीक आप देखिएगा कि जो नोट बदलने का समय इन लोगों ने तय किया है, जो विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होना है उसकी अधिसूचना जो संभावित है उसके ठीक पहले, इनको तो काला धन के नाम पर केवल काला धन का निवेश पार्टी के लिए करना है, और उसके पीछे और कोई मंशा नहीं। बिना देश को विश्वास में लिए, आगाह किए देश को, बिना नोटबंदी का फैसला था वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकला। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई, रातों रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालयों का जमीन उपलब्ध हो जाए, और आज देश की अर्थव्यवस्था जो करा रही है इन्हीं फैसलों के कारण। पर ये फैसला नोटबंदी के दिन से ही जो फैसले लिए गए थे वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वही